हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तशत जगद्गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय मठ के वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्तिभूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनिरस्मरण तिनिरस्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा गुरु महाराज जी की कृपा प्रार्थना, गुरुदेव की अहेतु की कृपा, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस गुरु कथा के हम साक्षी बन रहे हैं। हमने कल से गुरु महाराज जी के जो सबसे प्रिय प्रसंग वो याद करने प्रारंभ किए, चैतन्य चरितामृत से सनातन शिक्षा, हम उसका भी पाठ करेंगे और गुरु महाराज जी के एक पत्र को याद करेंगे, गुरु महाराज जी की अपनी राइटिंग। इसके अलावा आज के संदर्भ जो गुरु जी का भागवत का एक बहुत प्रिय प्रसंग है, जो कि कार्तिक व्रत में एक मास तक गुरु जी हर रोज याद करते हैं, वो है गजेंद्र मोक्ष का। तो हम गजेंद्र स्तव भी करेंगे, क्योंकि आज इस भयंकर कोरोना वायरस की चपेट में सारा विश्व ऐसे ग्रसित है जैसे ग्राह ने गजेंद्र को ग्रास लिया था। तो गजेंद्र का जो स्तव हमें याद करना पड़ेगा, जैसा कि गुरु महाराज जी कार्तिक व्रत में हमेशा एक मास तक इसको याद करते थे। और उसके बाद हमारे विश्व वैष्णव राजसभा के आजकल जो प्रेसिडेंट हैं, परम पूज्य श्री श्रीमद गोपानंद बन महाराज, जिनकी इस समय गौड़ीय समाज में बहुत ज्यादा रेवरेंस है, बहुत आदर है, और इस समय वो वृंदावन में हैं, तो मैंने उनसे प्रार्थना की है। तो थोड़ी देर के बाद हम महाराज जी से भी श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले मैं भागवत का ये प्रसंग गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र स्तुति का पाठ कर रहा हूं।
अगर आप भी गजेंद्र स्तुति करना चाहें तो साथ में कर सकते हैं। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितं गजेन्द्रुवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनिदं य इदं स्वयं यो अस्माच् परस्माच् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस् निजमायार्पितं कच्चित् विभातं कच्चित् तिरोहितं अविद्यद्रिक् साख्युभ्यं तदीक्षते स आत्मलोभतु मां परात्परा कालेन पञ्चत्वमृतेषु कृतेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद् गहनं गंभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुं नायस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनाकोऽर्हति गन्तुमिरीतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरित्यानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्घा मुनया सुसाधवा चरन्तलोकव्रतं वने भूतात्मभूता सुहृदस्य मे गति नाविद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकापयसंभवाय यस्य माया त्यान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय गूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः सर्वेन्द्रिय गुणदष्टे सर्वप्रत्यहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय पराय नाय गुणारण्यचं च दुष्मपाय तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जिता गम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सन् सर्वतनु बिन्मनसी प्रत्येक दिशे भगते ब्रीते नमस्ते यम धर्म आत्माप्त जाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तिर दुष्प्रापनाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी सर्वे परिभाविते गुणात्मने भगवते नमः ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशो रात्यपि देहमव्यम करोतु मृद विमोक्षनम् एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछन्ति एवे भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेश्म व्यक्तम् आध्यात्मिक योग गम्यं अतीन्द्रियं सुपिबाति दूरं मनिन्द्रियाना मनवाप्य वर्तमने यस्य ब्रह्मादियो देवा वेदा लोकाचरा नाम रूप विवेदेन फलज्ञा च क्लया कृता यथार्षिशोग्ने स्वितृगवस्त्यो निर्यान्ति सन्यान्त सकृत सरोचिषा तथा यतो यम गुणसुम प्रवाह बुद्धिर्मनाकानि शरीर सर्गा सवे न देवा सुर मर्त्य न त्रियंग न श्री न शंडो न पुमान न जंतु नायम गुणा कर्म नासन न चाशन निषेध शेष जयताद शेषा जी जी विषय नाहमियामिया किमिंतर विषय वृत्तिय भ्युन्या इच्छामि काले नायस विपलवस्त आत्मलोका वर्णस्य मोक्षम सोहम विश्वसिजम विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मान माजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम
योग रंधित कर्मानो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगिशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह वीक्ष्य त्रिद्रयाग्लुधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिंद्रियानां मनवाप्य वर्तमने नायं वेद स्वात्मानं चक्त्यां दियाहतं तं दुरत महात्मं भगवंत मितोऽस्म्यहम्। तो गजेंद्र ने ये स्तुति की और जब भगवान श्री हरि गरुड़ पे विराजमान होके उसको उद्धार करने के लिए जब प्रकट हुए हैं तो उसने कमल एक झील से लिया और वो पुष्प भगवान को अर्पित किया। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमारा किच्छ नारायण निखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको बार बार नमस्कार है। ये जो गजेंद्र की स्तुति है आज के संदर्भ में हाईली रिकमेंडेड है। हमारे गुरु महाराज जी का ये बहुत प्रिय स्तव है। कल हमने संबंध ज्ञान की बात की। गुरु महाराज जी जब जम्मू में गीता भवन परेड ग्राउंड में ठहरते तो एक मास का प्रोग्राम होता और लगभग 3 नगर संकीर्तन होते संडे संडे। जम्मू की ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों पे गीता भवन से जब गुरु महाराज जी संकीर्तन करते हुए नगर संकीर्तन लेके निकलते तो सैकड़ों लोग उनके पीछे 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 जम्मू के बाजारों में परेड ग्राउंड कच्ची छावनी पंच तीर्थी उसके बाद जैन बाजार और नीचे आपके राजेंद्र बाजार और फिर शहीदी चौक से मुड़ के रेजिडेंसी रोड और सामने जम्मू का मुख्य श्री रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर के अंदर जाके 4 परिक्रमाएं विशाल परिक्रमा और खूब संकीर्तन होता। ऐसे ही एक नगर संकीर्तन में मुझे पहली बार गुरु महाराज जी के दर्शन हुए थे। तो गीता भवन परेड ग्राउंड में गुरु महाराज जी रोज चैतन्य चरितामृत की सनातन शिक्षा या दूसरे दूसरे प्रसंग याद करते और वो कितने कितने दिन यही प्रसंग चलता था। बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी थी वो लाइफ की। तो हमने सबसे पहले गुरु महाराज जी से श्रवण किया और बहुत सालों के बाद चैतन्य चरितामृत हमें मिली। फिर हमने उसमें देखा जहां गुरु महाराज जी यही प्यार हमको सुनाते थे। तो कल हमने याद किया सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु को प्रश्न करते हैं, कृपा करी यदि मोरे करिया च उद्धार आपन कृपाते कह कर्तव्य आमार। अगर आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं महाप्रभु तो आप अपनी इच्छा से मुझे निर्देश करें कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे निर्देशित करें। के अमी के ने अमाए जारे तपत्राए इहा नाही जानी के मने हित होय साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। संबंध ज्ञान की बात यहां पे कंक्लूड हुई है कि भगवान के साथ तो हमारा डायरेक्ट वार्तालाप नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स नहीं होता। भगवान श्री विग्रह के रूप में विराजमान है लेकिन हमसे बात नहीं करते। लेकिन भगवान के निजन, भगवान के महाभागवत शुद्ध भक्त सदगुरुदेव, उनके साथ हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट वार्तालाप होता है। तो जब हमारा भगवान के शुद्ध भक्त के साथ संबंध स्थापित होगा, यही
वास्तव में संबंध रिलेशन उदित होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे गुरु महाराज जी। देखिए शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे महान गुरु शिष्य के संवाद हैं। आपने सुना होगा एक आरुणी शिष्य थे, जब उनको सर्दी में धान के खेत की बाढ़ को चेक करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने देखा कि धान के खेत का सारा पानी एक मेड़ से कट के खेत से बाहर जा रहा था। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, वो पानी रुका नहीं। बहुत भयंकर सर्दी थी, रात होने वाली थी। आरुणि ने देखा अगर पानी निकल गया तो गुरुदेव का जो धान का खेत, गुरुदेव की सेवा का जो पदार्थ, वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा विचार करके उसने निश्चय किया कि इस मेड़ पे मैं ही लेट जाता हूं। तो वो पानी में, खेत में जहां भूमि का कटाव था, वहां पे लेट गए। और लेटे लेटे सर्दी के कारण उनके शरीर में बहुत ठंड, बहुत कंपन होने लगा। जब आरुणि वापस नहीं आए तो गुरुदेव ने उनकी खोज प्रारंभ की। हाथ में दीपक लेके वो खेत में आए, आवाज लगाई तो बड़ी महीन आवाज के साथ आरुणि बोलते, गुरुदेव मैं यहां पे हूं, गुरुदेव मैं यहां पे हूं। अरे उठो उठो, तुम सर्दी में नीले पड़ गए हो। नहीं गुरुदेव, आपके खेत का पानी सारा निकल जाएगा। तब गुरुदेव ने सारी व्यवस्था करके उनको उठा के कंबल में लपेट के लाए। और गुरुदेव उनकी इस गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से इतने द्रवित हो गए कि उसी समय सारा ज्ञान उनको तत्व प्रकाशित कर दिया। तो ये जो ज्ञान उन्होंने प्रकाशित किया, ये आरुणि ने मेहनत करके प्राप्त नहीं किया, गुरु निष्ठा से प्राप्त किया। ग्रेजुएशन इज इन द हैंड ऑफ गुरुदेव। जो आप गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लेते हैं, वो शिक्षा आपके अंदर प्रकाशित केवल गुरु कृपा से ही हो सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गुरु महाराज जी ने जो परम गुरु जी की सेवा की, उसका कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। हम उपमन्यु की बात करते हैं। उपमन्यु को गुरुदेव ने कहा कि आप गाय को जंगल में चरा के लाओ। तो उपमन्यु जंगल में गाय चराने जाते हैं और गुरुजी ने मना कर दिया, गाय का दूध नहीं पीना। और धीरे 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 उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कुछ दिन तक तो उन्होंने उपवास रखा, पर आखिरकार वहां आक के पत्ते खा लिए, उससे जहर फैल गया, उनकी आंखें नष्ट हो गई, एक अंधे कुएं में गिर गए। जब गुरुदेव ने संधान किया, ढूंढा, तो कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां पे। तो गुरुदेव को सारी बात का पता चला। तो ऐसी निष्ठा देख के उपमन्यु की आंखें ही नहीं ठीक की, बल्कि उनको सारा तत्व ज्ञान प्रकाशित कर दिया गुरुदेव। तो गुरु कृपा से उपमन्यु भी ऋषियों में महान ऋषि बन गए। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए हैं, कृष्ण बलराम और वहां सुदामा भी हैं, किस प्रकार उन्होंने सांदीपनी मुनि की सेवा की है, कैसा आचरण भगवान कृष्ण ने गुरु सेवा का दिखलाया। जब गुरु आज्ञा से वो जंगल में समिधा इकट्ठी करने गए, बारिश हो रही थी,
तो बारिश में, बाढ़ में डूब के भगवान ने सिर पे वो सारी संविधा रखी है। और गुरुदेव जब आए ढूंढते, अरे फेंको सिर की लकड़ी को, तो नहीं ये गुरु सेवा की वस्तु है। तो सांदीपनि ऋषि क्या द्रवित हो गए, अद्भुत वो दृश्य था। इसी प्रकार बड़े बड़े महान गुरु शिष्य संबंध के उदाहरण हमें शास्त्र में मिलते हैं। ये बात प्रूव करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का एकमात्र रास्ता है गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवल, और कृपा को आकर्षित करने का रास्ता है गुरुदेव की निष्ठापूर्वक सेवा, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गुरु कथा का आयोजन गुरु कृपा से हुआ है, ये बिल्कुल गुरुदेव की इच्छा से हुआ, और गुरुदेव के सभी जो उनके अपने भक्त लोग हैं उनके हृदय को गुरुवाणी पहुंचाने के लिए हुआ, विदाउट एनी एजेंडा। ये हम भक्तों के हृदय में गुरु कथा अमृत बिंदु पहुंचाने का एक प्रयास है। और मैंने बहुत सारे महान महान वैष्णवों को यहाँ जूम मीटिंग में ला के हमें श्रवण कराने का प्रयास किया। पिछले कुछ दिनों से मुझे इतनी सफलता नहीं मिल रही। आज अगर भगवान की इच्छा हुई, गुरु जी की इच्छा हुई, तो हमारे परम पूज्य गोपानंद बन गोस्वामी महाराज जी हमें सुनाएंगे थोड़ी देर में। तो ये जो गुरु कथा का आयोजन है, गुरु जी कहते हैं दक्षिणा ज्ञान संदेश। क्या दक्षिणा हम गुरु जी को दे सकते हैं? मैंने गुरु महाराज जी का जब से प्रथम दर्शन किया, मुझे गुरु महाराज जी की सेवा करने का ऐसा कोई विशेष अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गुरु जी तो एकदम निष्प्रिय हैं, उनको हमसे कोई सेवा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर तो गुरु महाराज जी का सेवा करना बनता है। तो गुरु जी की दक्षिणा है गुरु जी से जो सुने हैं उसको आगे बांटना। तो गुरु जी की जो हमने पेस्टाइम्स दर्शन किए, गुरु जी की जो लीला सुनी, गुरु जी क्या करते थे, गुरु जी क्या स्तव स्तुति पसंद करते थे, गुरु जी क्या क्या प्रसंग पसंद करते थे, क्या क्या प्रसंग सुनाते थे, गुरु महाराज जी की शिक्षा किस पे केंद्रित होती थी, गुरु जी का क्या विचार है, जो हमने गुरु महाराज जी से उनकी कृपा से प्राप्त किया वही आगे पहुंचाने का एक प्रयास मात्र। तो इसलिए गुरु महाराज जी इस कथा में विराजमान हो जाते हैं, तभी हम सब भक्तों को ये अच्छा लगता है। तो संबंध ज्ञान मीन्स गुरु के साथ हमारा संबंध, जब गुरु को अपना समझे, मैं गुरुदेव का हूं, गुरुदेव हमारे हैं, मेरा जीवन गुरुदेव के लिए है, ये संबंध प्रतिष्ठित हो, तो आप हमारे गुरु महाराज जी की जिंदगी को देखिए, उनकी लाइफ को देखिए, कितने कितने पेस्टाइम्स हैं, गुरु जी कैसे डेडिकेशन से परम गुरु महाराज जी की सेवा किए। हम देखते हैं कि हम लेटर्स, हैंड रिटन लेटर्स होती थी, उसका जो एनवेलप होता था उस पर एड्रेस भी गुरु महाराज जी अपने हाथों से लिखते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट विद AD। वो सब लिखने के बाद सबसे बड़ी चिंता रहती कि प्रॉपरली पोस्ट हो जाए, पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में पोस्ट हो जाए या रजिस्टर्ड लेटर हो जाए। तो ये काम भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम था, क्योंकि अगर इसमें कोई चूक होती तो इतना जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एफर्ट हुआ सब नष्ट हो जाएगा। एक बार मायापुर में क्या हुआ, आपको पता है श्रीधाम मायापुर में जोगपीठ के पास पोस्ट ऑफिस, तो परम गुरु महाराज जी ने हमारे गुरु महाराज जी को एक लेटर डिक्टेट की, उसको पोस्ट करने के लिए दिया कि आप इसको पोस्ट करके आइए। दोपहर का समय था, मायापुर में जब परम गुरु महाराज जी के भजन कुटीर से गुरु महाराज जी पोस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं ब्रह्मचारी के रूप में, तो उस समय अचानक
देखा कि बाहर सब लोग प्रसाद पा रहे थे, सब लोग प्रसाद पा रहे थे और उसमें परम गुरु महाराज जी के गुरु भाई लोग भी थे, यानी कि हमारे गुरु महाराज जी के गुरुवर्ग। उन सब ने जब देखा कि ये दोपहर में प्रसाद के समय सामने खड़े हैं तो बुला लिया, कहाँ जा रहे हो? कहते मैं लेटर पोस्ट ऑफिस देने जा रहा हूं। तब उनको जबरदस्ती उन्होंने जोर देके प्रसाद के लिए बाध्य किया। अब गुरुवर्ग की आज्ञा थी, गुरु जी बैठ गए। जैसे ही गुरु महाराज जी प्रसाद पाने लगे, अचानक देखा परम गुरु महाराज जी कमरे से बाहर आए। तो परम गुरु महाराज जी आए तो उनकी नजर गुरु महाराज जी पे पड़ी। परम गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतनी सी बात होने दो, गुरु महाराज जी के बैठे बैठे ऐसा हो गया, गुरु जी अश्रुपात करने लगे, एकदम अश्रुपात करने लगे कि मैं गुरु सेवा को छोड़कर प्रसाद पाने बैठ गया। कलकत्ता मठ में गुरु महाराज जी के जब गुरुवर्ग लोग हमारे परम गुरु महाराज जी को मिलने आए, उस समय उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में अचानक परम गुरु महाराज ने कहा कि वो नक्शा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो मठ का नक्शा था, ड्राइंग जिसको कहते हैं। तो उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी को इशारा किया कि अंदर बैग में से वो नक्शा लेके आओ। तो हमारे गुरु महाराज जी एकदम तत्परता के साथ गए, नक्शा लेके आए, परम गुरु जी को दिया। जैसे ही उन्होंने उसको खोला तो देखा वो दूसरा नक्शा आ गया था, गलती से जो नक्शा मांगा वो नहीं आया, कोई दूसरा नक्शा आ गया। तो ये देख के परम गुरु महाराज जी थोड़े चेहरे पे उनके रुष्ट भाव आए। वो भाव ही देखे तो हमारे गुरु महाराज जी की आंखों से टप 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 आंसू बहने शुरू हो। तब श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने परम गुरु जी को कहा, तुम क्यों इतना इसके ऊपर करते हो? तब परम गुरु जी ने धीरे से कहा, ये सुनता है इसलिए। गुरु महाराज जी ने जिस प्रकार परम गुरु महाराज जी की सेवा की है ना, वो शास्त्र के जो आरुणि उपमन्यु उनके उदाहरण जो हैं उनको हम भूल जाएंगे। आप कभी जाइए जगन्नाथपुरी में, उन लोगों को मिलिए, आज भी वो लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने गुरु जी का वो स्ट्रगल देखा है। मैं वहां गया जो परम पूज्य श्रील संत गोस्वामी महाराज जी का मठ है समुद्र के किनारे, जहां गुरु महाराज जी रहे, उस मठ में छोटे छोटे कमरे, छोटा सा मठ, छोटी सी जगह, और गुरु महाराज जी कहते हैं कि वहां पे कोई बाथरूम नहीं था, तो नित्य कर्म के लिए बाहर जाना पड़ता और समुद्र में स्नान करके उसी नमकीन पानी के साथ सारा दिन गुजारना पड़ता, फ्रेश वाटर स्नान के लिए नहीं होता कई बार। और वहां से कोट इतनी दूर था और गर्मी इतनी, और गुरु महाराज जी पैदल ही कोट जाते। किस प्रकार का अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन कि गुरु जी ने कह दिया कि मेरे गुरुदेव का स्थान हमें लेना है पुरी में, तो 10 साल का स्ट्रगल आप सोच नहीं सकते। हमारे ही अपने मठ के दूसरे दूसरे के लोगों ने कहा कि हम लोग मठ में कोर्ट कचहरी के लिए नहीं आए, हम तो हरि भजन के लिए आए। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। वो गुरुवाणी के लिए तत्परता के साथ असाध्य को साध्य करते रहे, कितना सहन करते रहे।
लेकिन जब वो जगह मिल गई, वही लोग जो आलोचना करते थे वो बड़ी वाह वाह करने लगे। ऐसी दुनिया है। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी का जो संबंध है ना परम गुरु जी के साथ, वो इतना प्रगाढ़ संबंध है, उसी से पता चलता है। मुझे एक वैष्णव ने बताया, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब हमारे गुरु महाराज जी नए नए कलकत्ता मठ में थे, तब इतना उनके अंदर व्याकुलता हो जाती, भगवान के लिए तड़प इतनी हो जाती कि वो रोते रहते भगवान के लिए, रो रो के परम गुरु महाराज जी के पास जाते। प्रसाद के प्रति गुरु महाराज जी का जो इतना भगवत भाव था कि जो कुछ प्रसाद में सर्व हो रहा है उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। वो उसमें मिर्ची आ रही है, वो क्या आ रहा है वो देख नहीं रहे, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, गुरु महाराज इसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर। तो एक दिन परम गुरु महाराज जी को पता चला, उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि ब्रह्मचारी हमारे गुरु महाराज जी के पास बैठेगा जब वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, ताकि वो उल्टा पलटा कोई इनको सर्व ना करे और वो वही पाए। अरे गुरु जी का बस चलता तो कई बार वो पत्ता भी। तो ये जो प्रसाद बुद्धि गुरु महाराज जी की देखी, भगवत बुद्धि, गुरुदेव में भगवत बुद्धि, प्रसाद में भगवत बुद्धि, मतलब ऐसा संबंध कहीं पे गुरु शिष्य का उदाहरण अद्वितीय है। तो सनातन शिक्षा में इसी संबंध की बात हो रही। देखो जब हमारा गुरुदेव के साथ संबंध होगा तो गुरुदेव के माध्यम से भगवान के साथ संबंध। इसलिए सनातन शिक्षा में महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चये, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। जीव कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश है, और उनका भेद अभेद, भेदा भेद प्रकाश, ये महाप्रभु का अचिंत भेदा भेद सिद्धांत है। जीव सूर्य स्वरूप कृष्ण का अंश, उनकी किरण है, या अग्नि रूपी कृष्ण की चिंगारी जैसा है, कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति आर माया शक्ति। तो जो तटस्था शक्ति की बात की, एक इंटरनल पोटेंसी, एक एक्सटर्नल पोटेंसी, एक मार्जिनल पोटेंसी। जैसे नदी में, नदी है, जल प्रवाह है, और किनारे पे रेत है, और किनारा और नदी जहां पे कनेक्ट कर रहे हैं वो तट है। तो जीव भगवान की तटस्था शक्ति का अंश है। जीव चाहे तो अंतरंगा शक्ति की तरफ जा सकता है अथवा बहिरंगा शक्ति की तरफ। शक्ति तीन प्रकार की है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। और ये जो ब्रह्मांड है ये माया शक्ति की परिणति। जीव उनकी जीव शक्ति यानी तटस्था शक्ति की परिणति, और भगवत धाम आदि उनकी चित शक्ति की परिणति। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत की, वो प्रसंग जो गुरु महाराज जी के द्वारा अनुमोदित रिकमेंडेड है, इसके साथ साथ हम गुरु जी की एक लेटर भी पढ़ते हैं।
कल हमने एक लेटर पढ़ी, उस लेटर से यह पता चलता है कि गुरु महाराज जी कितने व्यस्त होकर भी अपने शिष्यों पे कृपा करने के लिए उनके लिए पर्सनल अटेंशन देते थे। कहां पे ऐसे सद्गुरु मिल सकते? गिविंग हिज पर्सनल अटेंशन। तो पर्सनल अटेंशन देके गुरुजी कैसे समय निकालते थे, कल की लेटर में हम पढ़ रहे थे, उसी को मैं आपके सामने थोड़ा शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मेरे पिताजी प्रोफेसर मदन मोहन मिश्रा जी को गुरुजी ने लेटर लिखी, और जहां पिताजी को बड़ी चिंता थी कि उनका बेटा कहीं घर से भाग ना जाए, गुरुजी को बार बार लेटर लिखते, अपने स्वास्थ्य की बात करते, चिंता में रहते। माता पिता का स्वभाव है, स्वाभाविक है। गुरु महाराज जी उनकी इस बात से इरिटेट नहीं होते थे। गुरु जी उनके मन की दशा को समझ के उनको भी वात्सल्य पूर्वक ट्रीट करके समझाते और ऑप्शन जो थी वो शिष्य को देते, वो क्या चाहता है वो करे। तो इसमें ट्रिमेंडस अफेक्शन ऑफ गुरुदेवा मैनिफेस्ट हो रही है। देखो, मैंने कई बार देखा कि वहां पे बोला गया जी कि अगर आपके माता पिता आपको रोकते हैं तो आप जब चाहे मठ में आ जाओ। तो महाराज जी ऐसा कभी कोई नहीं। तो यहां पे गुरु महाराज जी दोनों पक्षों को संभाल रही है, उस जीव को भी संभाल रही हैं जो गुरुदेव की तरफ जा रहा है, जो भगवान की तरफ जा रहा है, जो बार बार चेष्टा कर रहा है, और उन माता पिता को भी देख रहे हैं जो अपने बेटे के लिए गुरुजी को बार 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 कह रहे हैं। बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है गुरुजी का, और दोनों तरफ उनकी कृपा बरस रही। ऐसी एग्जांपल कहीं नहीं मिलती। गुरुजी क्या कह रहे हैं लेटर में, All jivas are eternally related with Shri Krishna. ये वास्तव में जो सनातन शिक्षा है वही गुरु महाराज जी अपने शब्दों में बता रहे कि जीव मात्र का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। All jivas are related with Shri Krishna when jivas by their relative इंडिपेंडेंस बिकम एवर्स टू श्री कृष्णा, दे बिकम एनवेलप्ड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा एंड आर पासिंग थ्रू साइकल्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। सारी बात रिलेटिव इंडिपेंडेंस को हम कैसे यूज करते हैं, इस पे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जब जीवा अपनी जो अनु स्वतंत्रता को प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, उसी समय माया के ग्रास बन जाते हैं और फिर वो जन्म मृत्यु के इस चक्र में घूमना शुरू कर देते हैं। द रूट कॉज ऑफ अवर एफ्लिक्शंस इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ अवर रिलेशन विद श्री कृष्णा। हमारे सभी दुखों का जो मूल है वो भगवत विस्मृति है, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध भूल जाना। देखो, संबंध ज्ञान की बात हो रही है। हम क्यों दुखी हैं? गुरु नानक देव ने कहा, जिसके ऊपर तू साई सो दुख कैसा पावे। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में ये भान है कि मेरे ऊपर मेरे ठाकुर जी हैं, उसको दुखी कौन कर सकता है। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं तो माया हमें ग्रस लेती।
The root cause of our afflictions is forgetfulness of our relation with Shri Krishna. We have got this precious human birth to rescue ourselves from this severe bondage and take absolute shelter at the lotus feet of Shri Krishna, which can only bestow us absolute bliss. अगर हम अपनी अनुस्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करें तो गुरु जी कहते हैं कि हमारे पास ये मनुष्य जन्म एकमात्र, हमारे पास एक द्वार खुला है कि हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही हमें सच्चित आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि when jivas by their averseness to Shri Krishna and by their desire to enjoy Maya become entangled by the illusory energy of Shri Krishna, they are given an opportunity to emancipate themselves from the severe clutches of Maya in human birth. In which birth they have got the conscience of Sat and Asat, they can accept Sat and give up Asat. These enslaved jivas can worship Shri Krishna in two ways as per their eligibility. तो ये बात फिर पहले उनको मेन संबंध ज्ञान की बात गुरु महाराज ने निचोड़ बता दी, और निचोड़ ये था कि इस मनुष्य जन्म में हमारे पास मौका है अपने को इस माया के बंधन से मुक्त करने का, और हमारे पास सत असत विवेक है, सत यानी इटर्नल, असत यानी नॉन इटर्नल। इस दुनिया में दोनों चीजें हैं, तो जब विवेक से व्यक्ति सत को ग्रहण करे और असत का त्याग करे तभी वो इस बंधन से मुक्त हो सकता है। आगे गुरु जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति दो प्रकार से आदमी कर सकता है, या गृहस्थ में कर सकता है या आश्रम में कर सकता है, या गृहस्थ आश्रम या त्यक्त आश्रम, या प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग। साधारण जो जीव हैं, जो इंद्रियों पे दमन नहीं कर सकते गुरु जी कहते हैं, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग का अधिकार है, वो अधिकारी हैं प्रवृत्ति मार्ग के। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं या जो अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, उनके अंदर एक तीव्र इच्छा है ऐसा करने की, वही निवृत्ति मार्ग के अधिकारी। और गुरु जी ने यहां पे एक बात कही, ये आपको स्क्रिप्चर्स में कहीं ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। हमने ज्यादातर ये बात सुनी कि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पे आदमी अपने परिवार का भी पालन करता है, भगवान का भी नाम थोड़ी देर के लिए ले ले तो उसको। लेकिन यहाँ पे गुरु जी ने अपना फैसला दिया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। गुरु जी कहते हैं निवृत्ति मार्ग इज डेफिनेटली कंजीनियल फॉर भजन एंड इज सुपीरियर टू प्रवृत्ति मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Point to be noted. निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग से श्रेष्ठ है क्योंकि ये भजन के लिए बहुत अनुकूल है। इसमें अनइंटरप्टेड भजन कर सकता है व्यक्ति। गृहस्थ में भजन में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती रहती, लेकिन निवृत्ति मार्ग यानी त्यागी आश्रम में उसको पूरी तरह कंजीनियल अनुकूल भजन का एटमॉस्फेयर मिलता है। इसलिए गुरुजी ने कहा निवृत्ति मार्ग इज सुपीरियर टू प्रवृत्ति मार्ग। इसमें कोई किसी को संशय नहीं रहना चाहिए। निवृत्ति मार्ग ही वो मार्ग है जो सुपीरियर है। साधक विल हैव टू थिंक अबाउट इट हिमसेल्फ। साधक को स्वयं इसका विचार करना है। इट विल नॉट बी गुड टू रिस्ट्रिक्ट ए साधक इफ ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट निवृत्ति मार्ग। तो यहाँ पे उन माता पिता के लिए जनरल हमारे माध्यम से गुरुजी ने उपदेश दिया कि जो लोग
अपने बच्चों को भजन करने से रोकते हैं ये अच्छी बात नहीं, गुरु जी ने बोला। अगर एक साधक निवृत्ति मार्ग में जाना चाहे तो ये अच्छा नहीं होगा। इट विल नॉट बी गुड टू रिस्ट्रिक्ट, उसको रोकना। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ श्री कृष्णा, और ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पे भी निर्भर करता है। गुरु जी कई बार कहते थे श्री कृष्ण जिसको लेना चाहते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी एग्जाम्पल गुरु महाराज जी देते थे कि जब वो मठ में आ गए तो उनके माता पिता बहुत सारे लोग बहुत सारे उनकी तैयारी करके उनको लेने के लिए आए, वकील भी साथ में लाए, कलकत्ता मठ में आए, लेकिन किसी प्रकार से परम गुरु महाराज ने गुरु महाराज को मिदनापुर मठ में भेज दिया। गुरु जी कहते भगवान श्री कृष्ण चाहते थे मेरी रक्षा हो गई, गुरु जी ने मेरी रक्षा कर दी। तो निवृत्ति मार्ग भी उसी को सफलतापूर्वक मिल सकता है जहां पे गुरुदेव और भगवान की इच्छा साथ में मिले। इतना आसान नहीं है। Nobody can go against the will of Shri Krishna who is omnipotent. भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। If any sadhak thinks that pravritti marg will be congenial to him, he can marry, but it should be swarna vivah. A swarna marriage is prohibited in the scriptures. तो यहां पे गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई साधक गृहस्थ में जाना चाहे तो उसको स्वर्ण विवाह करना चाहिए। अस्वर्ण विवाह जो है वो शास्त्र में निषिद्ध है। श्री कृष्णा विलिंग इफ यू कैन कम टू जलंधर वी शैल हैव मोर टॉक टुगेदर रिगार्डिंग दिस वी शैल हैव मोर टॉक रिगार्डिंग दिस माई लव टू यू ऑल एफली योर्स भक्ति वल्लभ तीर्थ। तो गुरु महाराज ने अपना पक्ष भी रख दिया, बेटे का पक्ष भी रख दिया, उनके दिल की बात भी उनको समझा दी, और इस प्रकार सामंजस्य करके गुरुजी ने सारी देखो इसको ऐसा जो लेटर बहुत बड़ी एग्जाम्पल है गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा शिष्य वात्सल्य की। कैसा वात्सल्य गुरु जी के अंदर, मैं मतलब शब्दों में इसको वर्णन करने में असमर्थ हूं। परसों हमने बुद्धावतार के बारे में पढ़ा दशावतार से, और दशावतार में गुरु महाराज ने एक बात कही कि दशावतार में कौन से अवतार हैं। तो गुरु जी ने लिखा इसके प्रीफेस में कि अनअलॉयड डिवोटीज अंडर द शेल्टर ऑफ महाभागवत श्री जयदेव गोस्वामी ऑफर देयर प्रेयर्स टू द 10 अवतारास ऑफ श्री कृष्णा व्हाइल रिमेम्बरिंग देयर पास्टाइम्स एंड ऑलवेज बेग फॉर देयर मर्सी। तो आप भागवत पढ़ेंगे ना, वहां 24 अवतार का वर्णन है, दशावतार का भी वर्णन है, लेकिन जयदेव गोस्वामी ने अपना जो केशव धृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे ये जो लिखा, इसमें जयदेव गोस्वामी जी ने जो दशावतार की रेफरेंस दी वही रेफरेंस गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम एडॉप्ट करते हैं। उसका कारण ये है कि दशावतार के रचयिता जयदेव गोस्वामी महाभागवत हैं। तो महाजन येन गतासा पंथा के सिद्धांत से हम जयदेव गोस्वामी वाली लिस्ट को पकड़ते हैं, और उसमें आप एक बात देखें, वहां बलराम जी का नाम है लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं। तो दशावतार में श्री कृष्ण का नाम क्यों नहीं?
क्या भगवान श्री कृष्ण दशावतार में नहीं? तो मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह राम परशुराम बलराम बुद्ध कल्कि ये सभी अवतार होते हुए भी श्री कृष्ण का नाम नहीं दशावतार। क्योंकि श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं, स्वयं भगवान। एते च अंश कला पुंस कृष्णसु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी ने कहा मैंने जितने अवतारों का वर्णन किया ये अंश हैं या कला हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गोविंद आदि पुरुषम तमाहम अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान तो अवतारी, इसलिए दशावतार भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार हैं। जैसा गुरु महाराज ने अवतार के तत्व के बारे में उसमें लिखा, अवतार भी कितने प्रकार के हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, गोपानंद बन महाराज जी थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। गुरु महाराज जी ने दशावतार ग्रंथ में अवतार तत्व का वर्णन किया, तो पूर्ण अवतार अवतारी तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन भगवान की फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम। फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम है, बलराम से ही सारे आगे एक्सपेंशन है। जो 3 विष्णु हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणवदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सब लोग उसी में है। तो कल इस पे बात करेंगे, अभी वृंदावन में चलते हैं। हमारे वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं परम पूज्य श्री गोपानंद बन महाराज, जो हमारे गुरु महाराज जी के शिक्षा गुरु श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी, जो परम गुरु महाराज जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, जिन्होंने यूरोप जर्मनी इंग्लैंड जाके प्रीचिंग की, और जो ब्रिटिश टाइम में हाईली स्कॉलरली एकेडमिक थे, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और जिन्होंने उनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी ऑनररी डिग्री दी, तो उनके ही जो वर्तमान आचार्य गोपानंद बन महाराज जी, इनका आपने देखा इस्कॉन वृंदावन के बिल्कुल ऑपोजिट एक बन महाराज गोस्वामी इंस्टीट्यूट है, वो बन महाराज जी ने बनाया। और नंदगांव में जो कॉलेज है जहाँ सनातन गोस्वामी महाराज जी का समाधि है, वो कॉलेज भी बन गोस्वामी महाराज ने किया। और बन महाराज ने ब्रजवासियों की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, बहुत कंट्रीब्यूशन है। और बन गोस्वामी महाराज जी का हमारे गुरु महाराज जी के साथ बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा। गुरु महाराज जी अपनी कथा में बहुत उनको उद्धृत करते थे, कई बार उनकी रेफरेंस आती, गुरु महाराज जी बतलाते कि कैसे बन गोस्वामी भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की। हम वेट कर रहे हैं कि गोपानंद बन महाराज जी अभी स्टार्ट करें। हाँ जी, रेडी? ना रेडी नहीं, गुरु महाराज आज शेष करेंगे। ओके, मैं 5 मिनट और बात इसको करता हूँ। तो हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है कि वृंदावन में जब भी जाते तो अपने जो आपको पता है विनोद वाणी गोड़िया मठ हमारा, उसके पहले हमारे बन गोस्वामी महाराज जी का आश्रम है, उस आश्रम में हमारे गुरु महाराज जी बन गोस्वामी महाराज जी को मिलने जाते थे। तो वहां पे बन गोस्वामी महाराज जी के साथ गुरु जी की वार्तालाप होती। मुझे भी एक बार गुरु महाराज जी ले गए, और वहां उनकी जो भजन कुटीर है उसमें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट है,
एक अंडरग्राउंड कमरा है कोई 12-13 फुट नीचे, वो बड़ा ठंडा कमरा है, और बन गोस्वामी महाराज वहां पे रह के एकांत तो भजन किए। वो स्थान परम पवित्र स्थान है, और वहां के जो ठाकुर जी हैं वो वहां पे प्रांगण में क्रीड़ा करते हैं। कभी आप जाइए उनके ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। बन गोस्वामी महाराज जी के सेवित जो ठाकुर जी हैं वो कई बार उस मंदिर के प्रांगण में क्रीड़ा करते, लोगों को दर्शन दिए हैं। तो गुरु महाराज जी कहते वहां पे बन गोस्वामी महाराज के आश्रम में गाय थी, और गाय का सारा दूध जो था वो थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा में देके बाहर दे देते। तो मठ के जो सेवक लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी को बोला कि आप हमारे गुरु जी को बोलो ना, हमें दूध नहीं मिलता, तो हमें दूध की व्यवस्था करें। तो गुरु महाराज कहते मैंने भी जाके देखा नहीं सुना नहीं, सीधा जाके अपने परम पूज्य पातशाला भक्ति विदे बन गोस्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी ये दूध थोड़ा सेवकों को मिलता तो अच्छा था। तो बन महाराज ने क्या जवाब दिया, आज हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि शिष्य वात्सल्य क्या होता है। बन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मैं इनको दूध दे सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जवान जवान लड़का है, नव युवक है, इंद्रियां बहुत प्रबल है, वो ऐसे भी बहुत प्रबल है तो दूध दे के इंद्रिय चांचल्य बढ़ सकता है, इसलिए मैं दूध नहीं देता। तो गुरु महाराज कहते मैं बड़ा लज्जित हुआ, मैंने सोचा मैंने क्यों महाराज जी को ये रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो तो अपने शिष्य के मंगल के लिए कामना कर रही है, इसलिए वो ऐसा कर। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने कितनी बातें हमें बताई बन गोस्वामी महाराज जी। बन गोस्वामी महाराज जी वहां पे आदेश किया था, इस विषय में उस गुरु जी, आपके गुरु जी और मेरे गुरु जी मिलन में जो आलाप होता था उसी को हमने अब यहाँ आलोचना किया है। सब लोग खुशी हुआ, यहाँ के श्रोता लोग, इस प्रकार एक वैराग्य मार्ग की बात जहाँ होता है उसी को ही हमारा संबल है, वही हमारा असली स्वरूप धर्म है। बाहर में जो भी हम करते हैं ये तो नहीं रहेगा, लेकिन अंतर आत्मा के लिए तो एकमात्र साधु की उपदेश ही संबल करके हम मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। इसलिए हमने मानव जीवन बात किया, जो हम करेंगे किसी को यह नहीं कर सकता है। अपने भगवत भक्ति राज्यों में कैसा हमारा भावना होना चाहिए, गुरु से हम क्या प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आया, इस विषय में आलोचना करते थे। लेकिन उस कथा की गुरु जी की शीघ्र शासन वाक्य में भी आपके परम गुरु जी कभी भी असंतुष्ट नहीं होता था, और भी प्रसन्न होकर के दोनों हाथ मिला देते हैं। आप कितने उपदेश दिया कि हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होगा, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो यही हम देखते हैं एक साधु दूसरे साधु से उपदेश ग्रहण करके किस प्रकार उनके हृदय भावना उत्पन्न होता है, यही हमारा स्मरण है। ये चीज को ही हम आचरण करेंगे। साधु किसी को दुख नहीं देता है, सब कोई शोक पहुंचाने के लिए ही जो भी कुछ कहते
छूट के लिए ही कहते हैं। इस प्रकार उनमें भावना थी के प्रति ऐसा नहीं था। इस प्रकार और हम यहाँ भागवतम भी तो पढ़ रहे थे, उसमें ब्रह्मा और नारद जी शर्मा पढ़ रहे थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी बहुत विरोधी करते थे कि हमको भगवान जी कर्ता कहते हो, हमको भगवान कहते हो, हम तो भगवान नहीं है, हम भगवान की कृपा पात्र भी नहीं है, हम तो इस अहंकार निर्गुण हमें सृष्टि करता हूँ अपनी इस प्रकार की अहंकार हमारा में है, तो हम उनकी कृपा पात्र नहीं है। यदि कृपा पात्र ही हो तो हमें इस प्रकार की प्रदर्शन कृपा पात्र उनके पास रहते हैं, वही कृपा पात्र है, हम तो कभी दर्शन मिलता है कभी नहीं मिलता है। इस प्रकार इस पर आलोचना की है तो ठीक है। तो हमने तो कहा ना अभी भालो है बोल भालो है बोल हमने कि आपके परम गुरु जी और हमारे गुरु जी के साथ जब ये मिलन होता आते थे तो बड़ा ही प्रभु के समर्थन पर हम लोग आए हैं, जिस कारण से यहाँ खाली दंड लेकर के प्रचार करना ही हमारा धर्म नहीं है। विश्वनाथ गोस्वामी को इस आदेश देकर के वृंदावन में बसाया, तो ये वृंदावन में हम लोग बस के क्या करेंगे, रोशनाथ गोस्वामी जो आदर्श दिख रहे हैं उसी में हमारा हम लोग सदैव उस विषय में भजन करना चाहिए, आग्रह में विषय में रहना चाहिए। और ये जो शिष्य बनाते हैं मठ बनाते हैं दूसरे के लिए है, इसमें ऐश्वर्य आता है, झगड़ा भी होता है, विपर्जय भी होता है, की जीवन में भी हुआ, इसलिए बहुमत के पास जिस विषय के लिए आए हैं उस विषय पर जिससे हम आगे बढ़ सकता है जिसको बैठ के यहाँ स्मरण करना है। वृंदावन में श्रद्धा लेके बैठ के उस विषय की आदर्श को पालन करना है, इतना होता था।